सोशल मीडिया पे है ना इन्फ्लुएंसर नाम का एक वर्ड अभी क्रिएटेड हुआ है या फिर जन्म लिया है। वो इन्फ्लुएंसर मतलब क्या, तो कोई इंस्टाग्राम पे बंदा होगा या बंदी होगी, वो अपने फॉलोअर्स क्रिएट कर लेते हैं, अपने सब्सक्राइबर्स बना लेते हैं, और फिर उनको जो है अलग अलग कंपनियां जो है कॉन्टैक्ट करती है, टाई अप करती है और कहती है कि हमारा प्रोडक्ट प्रमोट करो। तो ऐसा है ना दोस्तों कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी बीच में भी एक पत्ते खेलने वाले कंपनी ने मुझे ईमेल किया था कि हम हमारा जो पत्ते खेलने वाला जो वीडियो गेम था वो, उन्होंने, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन्होंने भी मुझे कांटेक्ट किया था कि हमारा आप जो है वो प्रोमो डालो आपके वीडियो के बीच में, हम इतने इतने पैसे देंगे। मुझे ऐसे पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपका घर बने, आपका पैसा ना फंसे, और उसमें मैं अगर मैं आपको बताऊँ कि ये गेम अच्छा है और इसमें पत्ते खेल के अपनी दुनिया बर्बाद कर लो, तो मुझे नहीं लगता है ये मैं अच्छा कर रहा हूँ। यही रीज़न से जो है एज एन इन्फ्लुएंसर मुझे काम नहीं करना है। जो है जैसा है मैं आपको बता रहा हूँ, आपको समझ में आता है, आपको विजिट करना है, आपको खुद को स्टडी करना है, पेपर्स देखने, मैं हमेशा ही बोलता हूँ पेपर्स अच्छे से चेक करो, मैं बता रहा हूँ इसके लिए अच्छा ही होगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आपके नीड में आता है क्या, आपके रिक्वायरमेंट में आता है क्या, आपकी ज़रूरत में वो फिट होता है क्या, आपको जो भी पेपर वर्क करवाना है आप किसी को हायर करके करवा लीजिए, सब कुछ चेक कर लीजिए, और आपको फिर लगता है तो फिर खरीदिए। पर मैं अभी नोटिस कर रहा हूँ मेरे वीडियोस देख के भी लोग है ना सिमिलर वीडियोस बनाते हैं या फिर खुद भी स्टडी करके बनाते हैं, पर ऐसा होता है ना कभी कभी वो बनाते बनाते लोग जो है रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भी देते। देखो इन्फॉर्मेशन देने के ना दो तरीके होते हैं, इन्फॉर्मेशन देना और एक करेक्ट इन्फॉर्मेशन देना। तो कुछ ऐसे भी है व्यूवर्स जो नए इंस्टाग्रामर है, जो यूट्यूबर है, तो मेरे वीडियोस देख के भी वो वीडियो बनाते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे कोई उस चीज़ से बुरा नहीं लग रहा है या फिर तकलीफ नहीं है। पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप मेरे वीडियोस देख के भी बनाते हैं ना तो बनाइए, अच्छे से बनाइए, बिकॉज मेरा जो मोटिव था वो तो वैसे भी क्लियर हो रहा है, लोगों को करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिले। तो मेरा वीडियो देख के अगर आप सेम कॉन्टेंट क्रिएट कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर आप रियल एस्टेट से बिलोंग नहीं करते हो ना, तो जो भी आप कंटेंट क्रिएट करोगे ना थोड़ा सोच समझ के करना, खास करके जो यूट्यूबर्स नए जो आ रहे अभी देखने के बाद, मतलब वीडियोस देख के भी मेरा बनाते हैं वीडियोस या फिर और भी कुछ करते करते लगता है कि रियल एस्टेट फील्ड अच्छी है, चलो इसके ऊपर हम लोग ब्लॉगिंग करते हैं। तो रियल एस्टेट जो सब्जेक्ट है ना दोस्तों, वो जनरल कंटेंट क्रिएशन से बहुत अलग है। जनरली क्या होता है, आपके हाथ में कोई प्रोडक्ट आता है 20-30-40 हज़ार का, और फिर आप उसके ऊपर, जैसे मोबाइल का हम लोग कंटेंट क्रिएटर से बात करते हैं कि कोई मोबाइल का कंटेंट क्रिएशन करता है, वीडियोस बनाते, कोई लैपटॉप्स के बनाते, कोई गैजेट्स के बनाते, कोई ट्रैवलिंग से रिलेटेड बनाते, कोई फूड से रिलेटेड बनाते, उसमें गलतियाँ हो भी जाती है तो निगलेक्ट की जा सकती है, बिकॉज उसमें ज़िंदगी भर की जो है कमाई नहीं लगती। लेकिन रियल एस्टेट एक ऐसा सब्जेक्ट है ना दोस्तों कि शायद से आप कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे दोगे और सामने वाला जो है आपका इन्फॉर्मेशन सुन के इन्फ्लुएंस होकर अगर इन्वेस्ट कर देता और वो इन्फॉर्मेशन करेक्ट नहीं थी, तो उसका ज़िंदगी भर की जो कमाई है वो बर्बाद हो सकती है और उसके पास जो है वो इनकम रिकवर करने का दूसरा मौका नहीं है। बिकॉज ये जो बात होती है ना रियल एस्टेट में, लाखों में करोड़ों में होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिन्होंने नए तरीके से यूट्यूब स्टार्ट किया है और वो रियल एस्टेट से बिलोंग नहीं करते, तो उनको मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, मेरे वीडियोस देख के कॉन्टेंट बनाओ, बिंदास बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप खुद कॉन्टेंट बनाते हो, खुद कुछ कर रहे हो ना, तो एक बार आप सोच समझ के बनाइएगा, स्टडी करके बनाइएगा कि आप जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हो वो करेक्ट है। और व्यूवर्स के लिए भी मेरा एक मैसेज है कि कोई भी आप वीडियो देख रहे हो ना, देखो इन्फॉर्मेशन के लिए देखो। मेरे ख्याल से ना इंग्लिश में एक लाइन है, ट्रस्ट एवरीथिंग बिलीव नथिंग। इसका मतलब क्या, देखो समझो सब कुछ, हाँ करो, लेकिन वही करो जिस पे आपका विश्वास है, सब चीज़ पे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है। मैं आपको अगेन बता रहा हूँ, ऐसा मैं सब यूट्यूबर्स के लिए बोल रहा हूँ, सब लोगों के लिए बोल रहा हूँ, इवन मेरे लिए भी बोल रहा हूँ। मैं जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ एक बार जाके चेक करो, कन्फर्म करो, आपको ठीक लगता है तो फिर आप डिसीजन मेकिंग लो, बाकी अदरवाइज किसी के भी थ्रू आपको इन्फ्लुएंस होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम गैजेट्स के लिए, मैं भी जनरली कुछ गैजेट्स लेने हैं तो मैं भी यूट्यूब पे जाके देख लेता हूँ कि किसका रिव्यू कैसा है, किसका रिव्यू क्या है, कौन सा अच्छा है, कौन सा गलत है, बुरा है, पर उसमें कभी डिसीजन गलत हो जाता है तो 2-5 हज़ार, 10 हज़ार, 50 हज़ार के ऊपर का नुकसान नहीं होता है। लेकिन रियल एस्टेट फील्ड जो है थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा अलग है। तो करेक्ट इन्फॉर्मेशन यूट्यूबर्स को देनी है, ये उनको रिक्वेस्ट है, और व्यूवर्स के लिए रिक्वेस्ट है कि जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो वेरीफाई करने के बाद ही डिसीजन लेना है। तो आई गेस मुझे लगता है ये दो तीन ही चीज़ें थी, तो यही रीज़न था दोस्तों कि मैं मेरा नंबर नहीं देता हूँ, बिकॉज मेरा पहले भी कमर्शियल थॉट नहीं था, अभी भी नहीं था। मैं कभी आपको बोलूँगा नहीं मेरे प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करो, और ना कि मैंने पहले भी बोला है, यही रीज़न से मैं नंबर नहीं देता हूँ। और इन्फॉर्मेशन जो दे रहा हूँ वो लोगों को हेल्प हो इसके लिए मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ।
तो ये दो तीन चीज़ें थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। आपको अच्छा लगा है वीडियो तो शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखेगा, बिकॉज आपका सिंगल जय हिंद भी मुझे मोटिवेट करता है। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।